यहाँ से 3 फीट है, उसके बाद 3.25 फीट है यहाँ से, और ये लैंडिंग है। यहाँ पे 8 स्टेप आएंगे, 3.25 फीट होने के बाद फिर आप 8 स्टेप आएंगे, फिर उधर 3 फीट बढ़ेंगे। चौकी ला करके 8 स्टेप होता है, चौकी छोड़ते हैं तो 7 स्टेप है। 13 फीट की लंबाई में 3.75 फीट ये चौकी है और 3 फीट की चौकी है, और फिर 4 इंची की ब्रिकवर्क उधर उठ चुका है, 4 इंची की ब्रिकवर्क इधर उठ चुका है। 13 फीट की लंबाई में 3 फीट की चौकी आगे है और 3.25 फीट चौकी इधर है। 7 इंच बाई 10 इंच का स्टेप बनेंगे यहाँ पर, तो सेंटरिंग हो रहा है अभी, स्टेप भी बन जाएंगे। इस तरीके से काम होंगे, फिर कोई भी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से नापते हैं सेंटरिंग की लैंडिंग, जो फट्टा की बॉटम बनाएंगे, साइड बनाएंगे, इस तरीके से नाप जोक करके ये साइड बनाएंगे, दोनों तरफ से बनाएंगे, फिर इधर से यहाँ से फिर प्लेट इस तरफ पटाई करेगी, तो फिर आपका जीना बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से काम करते हैं। काहे के फट्टा चाहिए हो, तू तो सो जा, चार गिला ना इधर, हाथ गिला देख, छिने देख ले यहां इधर, हाथ गिला ना दूसरे फट्टा तो आगे में रख लिया था, सब सब के तोड़ का हटा ले। इसकी जगह कितनी है? इसकी जगह है 13 फीट लंबाई है, सब के तोड़ का हटा ले, और 6 फुट की चौड़ा है। 13 फीट में 6 फीट में 3 फीट एक तरफ होता है, 3 फीट एक तरफ, हाइट होती है इसकी 10 फीट। 13 फीट लंबाई है, 6 फीट चौड़ाई है, 10 फीट की हाइट में 7 इंच बाई 10 इंच की स्टेप, 7 रहेंगे, एक तरफ सात है, 7 में 14 स्टेप हो गया, और उसके बाद बीच में एक स्टेप 15, 2 चौकी के, इधर चौकी के, दूसरे पर चौकी के, 17, टोटल 17 स्टेप इसमें रहेंगे। तो 17 स्टेप इस तरीके से सेंटरिंग करवाएंगे तो आपका जीना की सेंटरिंग सही हो जाएगी। सलामी का पता कितना हो? 32 इंच के लाओ मेरा जी। तीन सेट लगाए
उसको दोनों थे यहाँ मार देंगे तब कौन में कौन की चौदह फायदे पहले उधर सलामी तोड़े रहता हूँ ना लावा ना साफ सलामी तोड़ जाते टूट जाता है सलामी